आज मैं आपको सुनाती हूँ एक कहानी, 50 साल पुरानी, अपनी जवानी की कहानी। जब हम जवान थे, राहे रवां थे, कदम में उछाल था, रुकना मुहाल था, आंखें नशीली थी, बिन काजल पनीली थी, अजब सी चमक थी, कमर में लचक थी, दुनिया रंगीन थी और मैं शौकीन थी। धीरे धीरे मैं अमीर हो गई, चांदी मेरे बालों में भर गई, आंखें मुझसे नाराज हो गई, चश्मे की मोहताज हो गई, सैंडलों से मैं फ्लैट्स पर आ गई, पैरों की उछाल अब निढाल हो गई, आईने में चेहरा अब पहचान में नहीं आता, चश्मे का नंबर भी बदल बदल है जाता। अति तो उस दिन हुई जब सब्जी वाले ने माताजी कहा। मैंने उसे तो हट मुए कह दिया, पर अंदर तक हिल गई। लेकिन अब मैंने खुद को संभाल लिया है, उम्र से समझौता कर लिया है, मैं दुखी नहीं हूँ, मैंने जीना सीख लिया है। आईने से अब मैं नहीं मिलती, मिलती हूँ अपनी हम उम्र सखियों से, सब एक जैसे हैं, उम्र से पस्त, बुढ़ापे से त्रस्त, कोई दूसरे की बात नहीं बनाता, सब एक ही नाव में सवार है, मिलकर मनाते हैं उम्र का जश्न, हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, उम्र को अंगूठा दिखाते हैं। हाँ, अब मुझे शर्म नहीं आती माताजी कहलाने में, आराम से मैं सीढ़ी चढ़ते समय सहारे के लिए अपना हाथ बढ़ा देती हूँ। हाँ, मैंने उम्र से समझौता कर लिया है। और मुझे लग रहा है कि ऊर्जा की कमी हो रही है, ऊर्जा की कमी लग रही है मुझे। ये यूं ही वाली ताली लगी मुझे, मन से वाली नहीं लगी। हिंदी हमारी मातृभाषा है, मातृ शब्द यानी माँ। और मैंने कहा कि कितनी सारी बोलियों भाषाओं को अपने अंदर सहेजे हुए, समाहित किए हुए हिंदी आगे बढ़ती है। तो कुछ पंक्तियाँ हिंदी के लिए, हमारी मातृभाषा के लिए कहना चाहूँगा और आगे कार्यक्रम को बढ़ाना चाहूँगा। जन जन को जोड़े है भाषा, जन जन को जोड़े है भाषा, जिसकी है बराबर परिभाषा, जिसकी है बराबर परिभाषा। ये संचार की शक्ति है, संचार की शक्ति है। संचार क्या होता है? अपनी बात पहुंचाना, यही संचार है। ये संचार की शक्ति है, ये देवी माँ की भक्ति है। ये संचार की शक्ति है, ये देवी माँ की भक्ति है। आओ मिलकर सब नमन करें, आओ मिलकर सब नमन करें, जो तेरी मेरी भाषा है, जो तेरी मेरी भाषा है। इससे ही सब अभिभूत हुए, इससे ही सब अभिभूत हुए, ये तो हम सब की करनी है। अंतिम पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा, इससे ही सब अभिभूत हुए, ये तो हम सब की करनी है, भाषाओं की ये जननी है, भाषाओं की ये जननी है। तालियां मन से बजाइए, और तालियां बजती रहेगी तो प्रस्तुति अच्छे से अच्छी होती रहेगी। क्योंकि कई बार हम लोग जाते हैं सोच के कि दो ही कविताएं सुनाएंगे या तीन ही कविता सुनाएंगे, लेकिन लगता है कि ऊर्जा का संचार ज़्यादा हो रहा है तो तीन की चार भी हो जाती है, पांच भी हो जाती है। अब मैं जिन महोदया को बुलाना चाहूँगा, सबसे उत्तम बात यह है कि वो शिक्षिका हैं पुनः, और मुझे लगता है कि आप लोगों से वो बहुत अच्छे से जुड़ जाएंगी और अपनी कविताएं सुनाएंगी। तो तालियों से स्वागत कीजिए अंजना चड्ढा महोदया का।
एक आजकल बहुत फैशन है कि हम कहते हैं कि स्त्री को पुरुष के समान अधिकार नहीं मिलते, ये है वो है। अरे आप लोग तो पुरुष से कम थोड़ी ना हो, आप उससे ज़्यादा हो। जो शक्ति भगवान ने आपको दी है वो पुरुष को नहीं दी, और पुरुष की तरह हमको स्वेच्छाचारी होना भी नहीं है। आपकी अपनी क्वालिटीज़ हैं, उनको आप अपने आप में रख कर अपनी प्रोग्रेस करें। उसके लिए लिखा है, क्यों करती हो होड़ पुरुष से, क्यों करती हो होड़ पुरुष से, तुम तो उनसे भी बेहतर हो। क्यों करती हो होड़ पुरुष से, तुम तो उनसे भी बेहतर हो। दया प्रेम की मूरत, दया प्रेम की मूरत हो तुम, नहीं किसी से कमतर हो। मत बनना, मत बदना स्वच्छंद पुरुष सी, खुद को कभी नहीं छलना, जब भी चलना जीवन पथ पर देखभाल के निरख के चलना। अभी आपके लिए कोई भी द्वार ऐसा नहीं है जो खुला नहीं है। गवर्नमेंट ने हर हर परीक्षा के लिए हर क्षेत्र में आपके लिए द्वार खोल दिए हैं। कोई ऐसा नहीं, एविएशन कहीं पे भी आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। डॉक्टरी कोई लाइन आप ऐसी नहीं छोड़ी गई है कि आपके लिए वहाँ पर प्रवेश निषिद्ध है। इसके लिए लिखा है, सारे द्वार खुले हैं अब तो, सारे द्वार खुले हैं अब तो, नई ज्योत्सना बन जाओ, विश्व फलक पर बन अरुणाई, आच्छादित हो तन जाओ, सारा विस्तृत गगन तुम्हारा, रोके से अब ना रुकना, जब भी चलना जीवन पथ पर देखभाल कर निरख के चलना। एक छोटी सी कविता है जो हम लोग बहुत सारी चीज़ें जीवन में देखकर भी नहीं देखते, उस पर लिखी हैं, दो चार पंक्तियां हैं, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। हर इसका शीर्षक है अनलिखी कविता। हर कविता लिखकर पढ़ी सुनाई नहीं जाती, हर कविता लिखकर पढ़ी सुनाई नहीं जाती, कुछ कविताएं महसूस करनी होती हैं जो जुड़ी हैं जिंदगी से, जैसे रसोई में रोटी बनाती माँ का प्रफुल्लित चेहरा। पढ़ो तो चेहरे की हर लकीर कविता की पंक्ति है। चेहरे पे आया श्वेत, कविता से निकली खुशबू, पढ़ा करो अनलिखी कविताएं। आज भी इस मन की वीणा में स्पंदन शेष है, आज भी इस मन की वीणा में स्पंदन शेष है, लहरियों का स्वर मेरे मस्तिष्क पे अवशेष है। अरे वाह, बहुत अच्छे। लहरियों का स्वर मेरे मस्तिष्क का अवशेष है, बहुत अच्छे। ये इससे था, मैं बताता चलूंगा कि कभी मैं गाना वाना भी गाता था, उससे मैंने ये किया है। लहरियों का स्वर मेरे मस्तिष्क में अवशेष है, गुनगुनाता हूँ कभी, गुनगुनाता हूँ कभी, पर बात ना वो विशेष है। और रोष तो है व्याप्त, क्रोध है, गुस्सा है समाज के प्रति, रोष तो है व्याप्त, किंतु धमनियों में देश है, धमनियों में देश है, धमनियों में। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर भाई, वाह। अब मैं मेरे बड़े भाई संजय नायक जी को, जो झुंझुनू से आए हैं और हमारे बहुत परिचित हैं, मैंने इनके साथ कई बार मंच साझा किया हुआ है और बड़ी अच्छी कविताएं पढ़ते हैं, और इनकी एक लघु कथा है पापा के जूते, वो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी। वो कविताएं पूरे भारत में घूम चुकी है, लेकिन उसका जो वास्तविक लेखक है वो कौन है वो कोई नहीं जानता। तो सर को मैं बुलाऊंगा मंच पे और आग्रह करूंगा कि एक बार वो पापा के जूते जरूर हमें सुनाए सबको, और हमारे बच्चों को मंत्रमुग्ध करें। एक गजल से शुरुआत करना चाहूंगा कि जब उससे टकराई आंखें, अरे जब उससे टकराई आंखें, थोड़ा सा शर्माई आंखें, जब उससे टकराई आंखें, थोड़ा सा शर्माई आंखें, मैं आंखों से गुर हुआ तो, अरे मैं आंखों से गुर हुआ तो, उसकी घबराई आंखें, मैं आंखों से गुर हुआ तो, उसकी घबराई आंखें, जब उससे टकराई आंखें, राहें देख देख के मेरी,
अरे राहें देख देख के मेरी उसकी है बतराई आंखें, राहें देख देख के मेरी उसकी है बतराई आंखें, याद किया शिद्दत से उसने, अरे याद किया शिद्दत से उसने, तब तब है भर आई आंखें जब उनसे टकराई आंखें, जाना जाना बोली फिर वो, अरे जाना जाना बोली फिर वो, फिर उसकी भर आई आंखें, मेरा जब जब नाम हुआ है, अरे मेरा जब जब नाम हुआ है, उसकी है इतराई आंखें जब उससे टकराई आंखें। अब आंखों की व्यंजना देखिए कि आंखों को कितना कहा गया है कि काली रातें भी फीकी हों, अरे काली रातें भी फीकी हों, ऐसी है खजलाई आंखें, काली रातें भी फीकी हों, ऐसी है खजलाई आंखें, हमने आंखों से कुछ मांगा, अरे हमने आंखों से कुछ मांगा, उसने है इतराई आंखें, हमने आंखों से कुछ मांगा। मैं कविता शुरू करता हूँ और आपसे तालियों की उम्मीद कि हिंदी भारत माँ का गौरव, हिंदी हिंदी भारत माँ का गौरव, पुण्य भाव समर्पण है, जन जन की बोली हिंदी समरसता का दर्पण है, चाणक्यसी है जटिल भी है, कबीर सी सरल भी, चट्टानों सी है कठोर तो है करुणा सी तरल भी, संज्ञा समास तथा सर्वनाम, शोभा बढ़ाता अलंकार, रस घोलते वीर विभत्स, हास्य करुण व श्रृंगार, ये हिंदी के रस हैं। छंद गीत मुक्तक कविता, छंद गीत मुक्तक कविता, सुनकर मन कमल खिलता, संचारित होती मधुर लहर, चंचल मन को सुख मिलता, चंचल मन को सुख मिलता। और हिंदी से सुभद्रा महादेवी, हिंदी से सुभद्रा महादेवी, हिंदी से पंत निराला भी, हिंदी से ही नीरज की वाणी, हिंदी से बच्चन की मधुशाला भी, हिंदी स्वर है गायन का, हिंदी मन भाव की परिभाषा, हिंदी मन भाव की परिभाषा, हिंदी है माँ का वंदन, हिंदी कवि मन की अभिलाषा। अंतिम दो लाइनें हैं तालियों की, आपसे उम्मीद करता हूँ कि यदि भारती माँ दुल्हन, यदि भारती माँ दुल्हन, दुल्हन के मस्तक की बिंदी है, और हिंदी से हिंदुस्तान बना, हम सबको प्यारी हिंदी है, हम सबको प्यारी हिंदी है, हम सबको प्यारी हिंदी है। बहुत बहुत आभार आपकी करतल ध्वनियों का। पैसों के बीमार हो गए, रिश्ते अब बाजार हो गए, मोह भंग पैतृक गांवों से, शहरी अब घर द्वार हो गए, भूले सारे नातेदारी, बिलख रही है माँ बेचारी, बापू की खुशियों के सपने टूट गए कैसी लाचारी, सारा घर टूटा फूटा सा, छत की धन्नी टूटी सारी, मठा बुराठा फूटा चोरा, उल्लू सब चमगादड़ का डेरा, बच्चों का कुरुक्षेत्र ही था, दिवा स्वप्न सा मर्म बचा था, परदेसी संतानी सारी, सबके सब बेजार हो गए, पैसों के बाजार हो गए। याद हमें बचपन की बातें, जब बचपन में रहते थे, याद हमें बचपन की बातें, स्वप्न शांत सुनहरी रातें, रेतों और कीचड़ की गलियां, खंडर सा स्कूल गांव का, सुबह सुबह नदियां में जाना, चोरी से आम को खाना, चने मटर की फलियां खाना, बगिया का वह रंग सुहाना, बाढ़ में नदियों का झरना था, लक्कड़ का पानी में खेना, नंगे पैरों अध पकड़ों में, खुशियों के दिन चार हो गए, पैसों के बीमार हो गए, रस्ते सब बाजार हो गए, सभी गांव के चाचा चाची, सभी गांव के चाचा चाची, भैया दादा काका काकी, संबोधन भंगन चाची का, जग्गू दादा की दुकान का, ऊंचा घर बच्चों पलवान का, मुखिया दद्दू पलवान का, अंधे और अपाहिज सारे, जो लगते थे अपने सारे, किले पास बरगद की छैया, आम पकैया, पीवर पुइया, नार गुजारी का आलिंगन, जल कुंभन बदमों का चुम्बन, गुलाब बांस फूल सुहाने, सबके सब जाने कहाँ हो गए, रिश्ते सब बाजार हो गए। धन्यवाद।